आज जो है शबरात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नसरीन और आज जो तैयारी हो रही है, शबरात की तैयारी हो रही है, इसके लिए हम ये जो है रवा भून रहे हैं और रवा भून के करीब करीब हमारे यहाँ तैयार हो गया है। तो आज हमने जो है रवे के रवा भूना है और साथ में बारी स्लो उस पर जो है फ्लेम पे बना रहे हैं इसको। और साथ में हमने देखी ये आज हमने वो बना लिया है चने की दाल का हलवा, ये रेडी करके रख दिया है। और इसके साथ साथ जो है हम ये दही फुलकी बनाएंगे और दही फुलकियों में जो है हमने बेसन को जो है ये इधर सेट करके फेंट के रख दिया है और बेसन में जो है हमने नमक मिर्च और प्याज पिसी हुई ऐड करी है और साथ में थोड़ा सा सोडा भी डाल दिया है, बेकिंग पाउडर डाल दिया है, जिससे फुलकी बहुत अच्छी सी बन के आ जाएगी। और हम बिरयानी बना रहे हैं, बिरयानी बनेगी अभी थोड़ी देर में। तो बिरयानी में जो है हमने अभी चिकन को है भिगो के रखा है, फिर अभी हम इसको धो के अच्छी तरीके से फिर इसकी भी अभी तैयारी करेंगे। तो आज हमारे यहाँ इतनी चीज़ें बन रही हैं शबरात में। इसमें जो है हमने शक्कर और ऐड कर दी है, अरे हमें नहीं आ रहा बोलना, हम समझ में नहीं आ रहा, हम बोल ही नहीं पा। हलवा जो है फिर मामी बना रहे हैं, इसमें घी से बघार लगा के और इसमें जो है ये किशमिश ऐड कर दी और एक गिलास हमने जो है रवा ली थी सूजी, तो उसमें दो गिलास पानी ऐड किया है और इसका खमाम और एक गिलास ही हमने शक्कर ऐड करी है, एक गिलास हमारे पास जो है रवा है। तो इसमें ये जो है इसमें अभी इसकी चाशनी बन जाए, खोल आ जाएगी, तब हम रवा इसमें ऐड कर देंगे। और देखिए इसमें कितनी अच्छी सी खोल आ गई है, मैंने इसमें रवा ऐड करना शुरू कर दिया है। बहुत ही खुशबू के साथ बन रहा है शबरात का हलवा और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ ये कूड़ा और इसमें मैंने कलर फ्रूट कलर भी ऐड करा है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा हल्का हल्का येलो कलर का भी लग रहा है। साथ में मैं इसमें जो है कोकोनट भी ऐड कर रही हूँ और ये बादाम काजू भी ऐड कर दिए हैं, बाकी हम ऊपर से डालेंगे। और अब इसे हम थोड़े स्लो में ही बनाएंगे और साथ में हमने इसमें ऐड कर देंगे ये चिरौंजी और ये भी तैयार किया है। और हम चने की दाल का हलवा हमने जो है पहले ही तैयार करके रख लिया है और इसकी भी हमने रेसिपी दी हुई है, वो देखिए। लेकिन आज जो है ये शबरात का बन रहा है, हलवा जो है देखिए तैयार हो गया है, कितना अच्छा सा कलर आ गया है। और अब मैं जो हूँ बनाने जा रही हूँ फुलकी की, दही फुलकियों की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई जो है इधर रख दी है दूसरे गैस पे, फटाफट जो है फुलके बनाना शुरू करेंगे। तेल गरम करने रख दिया है, इसमें जो है हमने दही फुलकियों के लिए दही तैयार कर लिया है और नमक मिर्च और भुना जीरा इसके अंदर ऐड कर दिया है फुलकियों में है जो है हमने ये चौक करी हुई थोड़ी प्याज ऐड कर दी है, उससे भी अच्छा सा टेस्ट आता है। तो ये से हमने भी जो है बेसन को फेंट लिया था, करीब एक घंटा तक फेंट के रखा है। अब मैं फुलकियों की तैयारी करने लगी हूँ। देखिए कढ़ैया में तेल हो गया है, फुलकी फोड़ना शुरू। फुलकी भी बनना स्टार्ट हो गई है और आज काम ज़रा थोड़ा ज़्यादा ही होता है क्योंकि कुछ जगह पे भेजना भी पड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा सब चीज़ें बनती हैं। तो अब बस मेरी बिरयानी रह गई है बनना और सारे काम निबट ही गए हैं, बस अब मैं फटाफट इसको बना के फिर बिरयानी शुरू कर दूँगी। फुलकी भी बन गई, देखिए कितने अच्छे कलर के साथ, बिल्कुल लाइट कलर ही बनी है और इसी तरीके से बनती है तो अच्छी सी फूल भी जाती है और फिर ये इसमें गाढ़ नहीं आती, बहुत डार्क कर लेंगे तो गाढ़ आ जाएगी। और मैं इसे जो है देखिए
फुल्की में पहले मैं पानी में थोड़ा भिगोती हूँ, फिर उसके बाद दही में। इसको कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए हम पानी में छोड़ेंगे। पाँच से दस सेकंड हो गए हैं और अब मैं इसको ऐसे करके तब मैं दही में ऐड करती हूँ। इसमें दही में ऐड करते रहेंगे, फिर जो है ज़रा फुल्की थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, टाइट नहीं रहती है, कोई गांठ वाट नहीं पड़ती है इसके अंदर। तो फुल्की जो है हमेशा इसी तरीके से आप लोग भी बनाए, देखिए इस तरीके से इसे निचोड़ के पानी में से और इसमें, तो इस तरीके से बन जाती है। अब जो है मैं बिरयानी बनाने जा रही हूँ, फटाफट बिरयानी को सेट करके रख दिया है और इसमें लौंग काली मिर्च के सब इसमें फटाफट डाल के सेट कर रही हूँ। ये सब फटाफट हो गया है और तैयारी इसी की शुरू है बिरयानी की। बिरयानी पे ही ज़्यादा हो जाएगा काम का। तो है सारा काम कंप्लीट हो गया बिरयानी पे, बिरयानी की तैयार हो गई है और अब बस इसका बाजार जो है बन रहा है। और बाकी बिरयानी, हलवा, फुल्कियाँ, चने की दाल के हलवे सारे सब सेट हो गए हैं। आज की तैयारी में बस यही है। आज की जो सारी तैयारी है वो शिवरात की तैयारी है ये सब, और बहुत अच्छी तरीके से बन के सब तैयार हुआ है बढ़िया सा। आपको भी से देखिए।